एमपी के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साइकिल चलाने को पॉलिटिकल ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कांग्रेस के राज में पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए कम करने की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया था, जिसके लिए दिग्विजय सिंह जनता से माफी मांगे। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साइकिल चलाने को एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे पॉलिटिकल ड्रामा बताया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा दो तरह की सोच काम करती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए कम करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने राज में तेल के दाम कम नहीं किए बल्कि 2 रुपए बढ़ाए थे। हिम्मत है तो साइकिल पर बैठने से पहले दिग्विजय सिंह जनता से माफी मांगे। उन्होंने कहा 2 रुपए तेल पर बढ़ाकर जैकलिन और सलमान पर कमलनाथ सरकार खर्च कर रही थी। भाजपा सरकार तेल के दाम बढ़ाकर कोरोना पर खर्च करती है। एक वो सोच जो झूठ बोलकर जनता का ध्यान बांटना चाह रही है। इनके घोषणा पत्र में इनने 5 रुपया डीजल पेट्रोल पे कम करने का कहा। हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह जी साइकिल पे बैठने के पहले उससे माफी मांगे कि हमने कहा था, हमने झूठ बोला था, हम माफी मांगते हैं, फिर वो ज्ञापन देने जाएं। तो लगेगा कि हाँ वास्तव में मॉरली बूस्ट व्यक्ति है, अन्यथा पॉलिटिकल स्टैंड है, ड्रामा है। एक दूसरा सोच, आपने कम नहीं किया कोई बात नहीं, इसके बाद 2 रुपया बढ़ा दिया आपने, दो तीसरा 2 रुपया काय पे बढ़ाया, वो 2 रुपया बढ़ा के आईफा अवार्ड पे खर्च कर रहे थे, जैकलीन पे खर्च कर रहे थे, सलमान पे खर्च कर रहे थे, और हम अगर बढ़ाते हैं तो हम कोरोना पे खर्च करते हैं। ये दो सोच हैं, एक वो जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोचती है, एक सोच वो है जो जैकलीन की सलमान की और आईफा की सोचती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।